नमस्कार दोस्तों, एमके के गुरु स्टडीज चैनल में आपका स्वागत है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? ए यूनाइटेड प्रोविंस, बी आर्य समाज, आर्य प्रदेश, सी अवध प्रांत, डी उत्तरी प्रांत। इसका राइट आंसर है यूनाइटेड प्रोविंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर दो। उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए सारनाथ, बी कौशाम्बी, सी तक्षशिला, डी मथुरा। इसका राइट आंसर है डी मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन ए 7 दिसंबर 1947, बी 10 मार्च 1948, सी 7 जनवरी 1947, डी 19 दिसंबर 1948। इसका राइट आंसर है 7 दिसंबर 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1992 में, बी 1994 में, सी 1995 में, डी 1996 में। तो इसका राइट आंसर है 1994 में, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम जो है 1994 में पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर पाँच है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। ए गोविंद वल्लभ पंत, बी श्री नारायण दत्त तिवारी, सी चौधरी चरण सिंह, डी हेमवती नंदन बहुगुणा। इसका राइट आंसर है गोविंद वल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे? ए हेमवती नंदन बहुगुणा, बी गोविंद वल्लभ पंत, सी त्रिभुवन नारायण सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक समय तक जो मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे वह हैं त्रिभुवन नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उसका आंसर है राम नाईक। राम नाईक जो है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पद पर। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है प्रधानमंत्री, भीषण सरद, सी मुख्य न्यायाधीश, डी राज्यपाल। तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करता है वो है राज्यपाल। राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन है, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन है? जो उत्तर प्रदेश में जो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर टेन, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? तो इसका ऑप्शन ए एक स्तरीय, बी चतुस्तरीय, सी त्रिस्तरीय, डी द्वित्रीय। तो इसका राइट आंसर है त्रिस्तरीय। क्वेश्चन नंबर इलेवन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार, इसका राइट आंसर जो है वो है राज्यपाल को। उत्तर प्रदेश का जो है विधानसभा को भंग करने का अधिकार जो राज्यपाल के पास रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राजचिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो अशोक द्वारा निर्मित भारत का राजचिन्ह सिंह स्तंभ जो है उत्तर प्रदेश में सारनाथ में है। क्वेश्चन नंबर 13, गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय शिक्षा और कला के प्रमुख केंद्र थे? ऑप्शन ए मथुरा, बी कौशाम्बी, सी प्रयाग, डी सभी। तो इसका राइट आंसर है सभी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, प्रथम स्वतंत्र संग्राम कब हुआ? 1877, बी 1757, सी 1885, डी 1857। इसका राइट आंसर है 1857। क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? इसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हमारे चैनल पर जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।